हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th का पार्ट 8 कर चले हम फिदा के क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन इन बिटवीन भी पढ़ेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों की नॉलेज हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ जाएंगे। और अगर एग्जामिनर इससे रिलेटेड कोई इन बिटवीन क्वेश्चन देता भी है तो भी आप करने में सक्षम भी हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रस्तुत गीत में साथियों शब्द का संबोधन किसने और किसके लिए किया है। आपने बार बार गाना सुना है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो इसमें साथियों शब्द का संबोधन जो है भारतीय सैनिकों ने देशवासियों के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर कटाने का गम किसे नहीं है और क्यों। उत्तर है, सर कटाने का गम भारतीय सैनिकों को नहीं है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान देने को तैयार हैं। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गीत में किन पौराणिक पात्रों का उल्लेख किया गया है, यानी जो पुराने हमारे ग्रंथ वेद हैं, जो हमारे ग्रंथ चल रहे हैं, काव्य महाकाव्य हैं, उनमें से क्या किसी का नाम लिया गया है उदाहरण के तौर पे। तो हाँ लिया है, हम सभी ने देखा है, राम भी हो तुम्ही हो लखन साथियों, आप पढ़ते ना इसमें, तो वही है। तो आपने वहीं से आंसर लेना है और लिखना है, प्रस्तुत गीत में राम लक्ष्मण सीता तथा रावण जैसे पौराणिक पात्रों का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीता के दामन से क्या मतलब है। लिखा है ना, छूना पाए सीता का दामन कोई, तो यहाँ सीता के दामन से मतलब है भारत माता के मान सम्मान रूपी पवित्र आंचल से है। जैसे सीता रूपी दामन कोई रावण छू ना पाए, वैसे ही भारत के मान और सम्मान को कोई विदेशी शत्रु रावण बन के छू ना पाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध के समय भारतीय सैनिकों की क्या इच्छा रहती है। तो आप उत्तर लिखेंगे, युद्ध के समय भारतीय सैनिकों की यह इच्छा रहती है कि भारतीय सैनिक मृत्यु को सामने देखकर भी घबराए ना। जो भी सैनिक युद्ध भूमि में जाएगा वो यही कहता है कि मैं मृत्यु को देख के घबराऊं नहीं। वे शत्रु से लड़ने में उन्हें धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि अगर हम एक बार इनसे जीत गए तो हमें देश में उत्सव मनाने का समय मिलेगा, यानी उत्सव मनाने का समय आने वाला है, इसलिए शत्रु का डटकर मुकाबला करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता के आधार पर बताइए जान देने की रित कौन सी है। रुत मतलब मौसम। तो उत्तर है, जान देने की रुत से मतलब है यहाँ पे अवसर, यहाँ पे मौसम नहीं है। अक्सर टीचर रुत का मतलब मौसम ही बनाती है और जनरल भाषा में होता भी है, लेकिन एक के दो अर्थ होते हैं। यहाँ पे रुत का अर्थ मौसम ना होकर अवसर से है, अर्थात सैनिक जब देश की रक्षा करते करते शत्रुओं के हाथों में जान गंवा बैठते हैं, यह अवसर केवल देश प्रेमियों को ही मिलता है। अवसर है बच्चों, असर हो गया है, आप सही कर लीजिएगा। तो वही बताते हैं, देश के लिए जान देने का जो अवसर है वो हमें बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जवानी की सार्थकता किस समय होती, किस समय हमारी जवानी सही है, इस हमने जवानी का सही प्रयोग किया, वो कौन सा समय है। तो कवि कहता है, जब व्यक्ति अपने जोश उत्साह शक्ति ऊर्जा आदि से युक्त युवावस्था में भरपूर प्रयोग देश के हित में करे तभी उसकी जवानी सार्थक होती है, क्योंकि जवानी में जोश ज़्यादा होता है और देश को उस समय ऐसे ही देश नागरिकों की जरूरत पड़ती है जब कोई देश पे हमला करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि ने सैनिकों को राम लक्ष्मण जैसा बनने को क्यों कहा है। तो उत्तर है, कवि ने सैनिकों को राम लक्ष्मण जैसा बनने इसलिए कहा है क्योंकि वे चाहता है कि देश के सैनिक भी राम लक्ष्मण की तरह रावण रूपी शत्रु को मार कर सीता रूपी भारत माता धरती को बचाएं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर चले हम फिदा कविता में हमें क्या संदेश दिया गया है।
उत्तर है कर चले हम फिदा कविता में यह संदेश दिया गया है कि देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, उसके मान सम्मान को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें अपनी सामर्थ्य अपनी क्षमता के अनुसार देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। जितना हम कर सके उतना तो एटलीस्ट हम करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों की क्या विशेषता है, जो सैनिक हैं वो कैसे हैं? तो उत्तर है कर चले हम फिदा कविता में सैनिकों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सैनिक देश के सच्चे देशभक्त हैं, क्यों? तभी तो वो कहते हैं कि जान देने का हमें गम नहीं। 2, उसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, वे विषम यानी कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करने को तैयार हैं। कठिन परिस्थितियां यानी कोई दूसरा देश जब हमारे देश पे आक्रमण करे। 4 नंबर पे है, वे अपने सिर पर कफन यानी खुद जानबूझकर अपने मन से शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उनके मन में अपना सब कुछ गंवा देकर भी देश के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाने की इच्छा शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आज़ाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है और क्यों? उत्तर है हम आज़ाद हो गए सबसे मुश्किल काम क्या है कि अपनी हम आज़ादी को बनाए रखें। हम आज़ाद होने के बाद लापरवाह हो जाएंगे तो शत्रु भी हमला कर देगा किसी ना किसी रूप में। इसके लिए सैनिक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना पड़ता है। वीरता और साहस के गुण तो सैनिक में हमेशा मौजूद होने चाहिए ताकि थोड़े टाइम में भी देश की ओर अगर कोई आग उठाने वाला शत्रु देखे तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब दे सके और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे सके। ये ना हो एक बार देने के बाद में निराश होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं। सैनिक में हमेशा जोश बना रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि ने सैनिकों से खून की लकीर खींचने की बात किस तत्व को माध्यम बनाकर कही है? तो उत्तर है कवि ने सैनिकों से खून की लकीर खींचने की बात लक्ष्मण रेखा को माध्यम बना के कही है। कैसे? जिस प्रकार सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर रेखा खींची ताकि कोई शत्रु कोई उस समय तो राक्षस कुटिया में प्रवेश ना कर सके, ठीक उसी प्रकार हमें भी भारत माता की सुरक्षा के लिए एक ऐसी सीमा रेखा बांध देनी चाहिए ताकि कोई भी शत्रु उस सीमा को पार करके हमारी भारत माता को छू ना सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, छू ना पाए सीता का दामन कोई, इस कथन का क्या आशय, क्या मतलब है इसका? तो उत्तर है इस कथन का आशय है हमारी मातृभूमि सीता माता रूपी धरती है, इसको कोई रावण रूपी शत्रु इस पर आक्रमण ना कर पाए, इस पर कब्जा ना कर ले, उसके नापाक इरादे नापाक कदम इस धरती को छू ना पाए। इसलिए हमें राम और लक्ष्मण की तरह इसकी रक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर चले हम फिदा गीत को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? बच्चों ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आया है। तो उत्तर है कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी की रचना है। आपको इसमें मैं कई क्वेश्चनों के आंसर दे रही हूँ, किसकी रचना है, यह गीत कब लिखा गया, ऐसा आ जाता है मनवड़ में आ जाता है, ये गीत कब लिखा गया, कर चले हम फिदा गीत उर्दू के किस शायर की रचना है? तो आप लिख सकते हैं शायर कैफ़ी आज़मी की रचना है। ये गीत 1962 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1962 में लिखा गया। चीन भारत के युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया। इसी पर एक फिल्म बनी थी, कौन सी फिल्म बनी थी? हकीकत फिल्म बनी थी। हकीकत फिल्म में ये गीत किसने लिखा? तो आपके इस तरह के कई क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जामिनर वन वर्ड में। तो आपको सभी तैयार हो जाएंगे कि कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी की रचना है। इस गीत को उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनने वाली फिल्म हकीकत के लिए लिखा था। इस गीत के माध्यम से देशवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना, आज़ादी की रक्षा के लिए प्राणों का परवाह न करने के भाव,
सैनिकों के संबोधन के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इसमें हिमालय किसका प्रतीक है, ये भी एनसीईआरटी है। उत्तर है, हिमालय भारत के उत्तर में खड़ा एक पहरेदार है जो देश के ताज का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है, तो इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि में प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाया गया है कि यहाँ पे जो सैनिक है वो प्रेमी है और प्रेमिका कौन है, भारत भूमि। तो धरती को दुल्हन इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह नई वधु की सुरक्षा का दायित्व नव युवकों पर होता है, उसी प्रकार भारत भूमि की रक्षा का दायित्व भी यहाँ के देश के युवा शक्ति पर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है, तो इस गीत में देशवासियों के लिए सिर पर कफन बांधना देश के लिए मर मिटने की परंपरा को याद दिलाते हुए कुर्बानी के मार्ग को वीरान ना होने की ओर संकेत करता है कि आपने कुर्बानियों का मार्ग वीरान नहीं होना, देश के लिए हमेशा एक मरे तो दूसरे चार तैयार हों। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है, तो उत्तर है, इस कविता में काफिले शब्द का अर्थ पहले बताया है कि सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये देश के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की निरंतरता की ओर इशारा करती है कि कुर्बान होने की जो प्रक्रिया है वो बनी रहनी चाहिए। अगर आज देश के लिए चार सैनिक अपनी जान गंवाते हैं तो 50 और खड़े हों, ये नहीं कि वो चले गए तो अब हम नहीं जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है और युवा शक्ति को देश की रक्षा, आज़ादी की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही है।